वो नीचे देख सकते हो, वो एंट्रेंस गेट है, वहाँ तक आ चुके हैं। धन्यवाद लिखा हुआ है हरिश्चंद्रगढ़ का, और रास्ता आपने देखा ही है कि ट्रैकिंग कैसी है। पूरी अंधेरा हो चुका है, हरिश्चंद्रगढ़ फॉर ट्रैक कंप्लीट। भाऊ सतह हासिल, फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो अभी हरिश्चंद्रगढ़ तो हो चुका है, अब देखना ये कि नीचे हमारी बाइक्स लगी पड़ी है। बाइक्स बोल रहा हूँ, बाइक यार, सिंगल एक बाइक है, तो बाइक लगी हुई है। तो भाव अभी क्या सोच रहे, किधर भंडारदारा निकलते हैं, कोशिश करते हैं भंडारदारा निकलते हैं। हाँ रोड तो आपने देखे ही हैं, तो 60 किलोमीटर भंडारदारा है ना, बाइक आपको चलानी है। तो अपन अभी सोच रहे कि किसी भी हाल में चाहे धीरे धीरे जाए अपन शेंडी गाँव तक या भंडारदारा तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ रुकने के लिए स्टे के लिए हमें जगह मिल जाएगी आराम से। और फिर वहाँ से रुकने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट डे हम कोई भी ट्रिप वहाँ पे इजीली कर सकते हैं कवर, तो वो कोई इशू नहीं है। तो बाकी चलते हैं सीधा, फिर आपको दिखाते हैं, देखते हैं। बाइक के पास हमने हेलमेट भी रखवाया था घर के अंदर, तो वह हेलमेट भी लेना है। और इसके बाद हम स्लोली स्लोली जाने वाले हैं बिल्कुल भंडारदारा की तरफ। तो फिर मिलते हैं बाइक की तरफ, है ना। गाइस अभी काफ़ी थकने के बाद अभी हम लोग राजूर तक आ गए हैं। टाइम कितना हो रहा है भाऊ? 9 करीब बज गए हैं, और राजूर जो है हरिश्चंद्रगढ़ के लिए पॉइंट अलग से कटता है। तो फिलहाल अपन अभी राजूर में आए हैं। लास्ट टाइम भी हमने इसी होटल में खाना खाया था, श्री साई बालाजी होटल करके है, खाना खाएंगे और फिर उसके बाद रूम देखेंगे। पहले ऐसा प्लान था कि शिंडी जाने का था, बट शिंडी में क्या रूम महंगे मिलेंगे, तो अपन राजूर में रुक रहे हैं। और उसके बाद ये बैटरी कम है तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चार्ज कर लेता हूँ, फिर बातचीत करते हैं उसके बाद। तो खाना भी हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे, पनीर मसाला और सेव भाजी, और भाऊ ने भाकरी ऑर्डर करी है और मैंने प्लेन चपाती। तो काफ़ी बढ़िया होटल है, सेटिंग मैनेजमेंट काफ़ी सारी सब चीज़ सही है, बेसिकली घर में ही है ये, तो सब चीज़ यहाँ पे मोस्ट वैसे ही होती है। तो फिलहाल अभी जाम हो गए ना पूरे रोड पे, बहुत अंधेरा था, तो चलिए चलते हैं। फिलहाल राजूर पे हम आ चुके हैं, खाना वाना ले आता है तो खाना आपको दिखाता हूँ, और फिर खाना वाना खाने के बाद चलते हैं, फिर रूम वगैरह देखते हैं, फिर रात को स्टे करके फिर देखते हैं कल कहाँ किधर जाते हैं। तो चलिए खाना आता है फिर मिलते हैं खाने पे। आज हमने अभी सब्ज़ी मंगाई है, ये कौन सी भाजी है भाऊ? ये सेव भाजी है, और ये बाजरे की भाकरी है, बाजरे की रोटी होती है, पापड़ है, सैलेड है, और ये पनीर की सब्ज़ी और प्याज, और ये साथ में रोटी मैंने मंगाई है। तो भाऊ कैसा लग रहा है? तो पनीर में भी भाई साहब इन्होंने बिल्कुल टपक टपक मस्त पनीर डाला है, बाकी आपको टेस्ट करके बता दें कैसा एकदम। तो भाई फिलहाल 30 मिनट्स वेट करने के बाद घर का बना हुआ एकदम ताज़ा गर्मा गर्म फ्रेश फूड आ चुका है, और यहाँ आपको सीधा टेस्ट करके बताएंगे कैसा टेस्ट है। श्री साई बालाजी होटल है जो कि राजूर में है। तो अभी भाऊ मैं टेस्ट करने वाला हूँ, बाइट बनाऊँगा और टेस्ट बताता हूँ कि कैसा है, रिव्यू दूँगा। तो रेडी हो? चलिए खाते हैं, 9:45 बज रहे हैं, खा के फिर रूम भी लेनी है ना। तो चलिए आपको बाइट भर के टेस्ट करता हूँ टेस्ट कैसा है। मैंने ये बाइट ली यहाँ पे, और थोड़ा सा पनीर मीठा है हल्का सा, बाकी शेव भाजी टेस्ट करते हैं, शेव भाजी कैसी बनी। शेव भाजी की बाइट ली, प्रॉपर घी में बना है, सब चीज़ टेस्ट बढ़िया है। अगर आप आते हो राजूर में होटल ज़रूर ट्राई करें, खाना एकदम बेस्ट।
हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका तो स्वागत है एक नई सुबह के साथ और हमारी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, होप सो ये वीडियो काफ़ी सारी पार्ट्स में हो गई है। और आपको पता है कि हम लोग ऋषिनगर ट्रैक करके आए थे और रात को राजूर पहुंचे थे। और आपको ये भी पता है कि काफ़ी रात हो गई थी। उसकी स्टोरी क्या है, बड़ी गंदी, बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा हमारा, तो मैं आपको बाद में। नेक्स्ट अच्छा व्यू आ रहा है, बाकी नीचे जाते हैं, चेकआउट करते हैं, पेमेंट हमने रात को कर दी थी, बाइक निकालते हैं और वहाँ पे वीडियो शॉट दिखाते हैं आपको और दिखाते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है यहाँ पर। अकोले तालुका रहता है और गाँव राजौरी है। चलते हैं नीचे और कुछ चाय वगैरह लेते हैं, फिर मिलते हैं सिर्फ चाय वाले के टाइम पे। तो ये होटल पंचरतन है, वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट भी है और लॉज और होटल भी है। तो यहाँ पर हमने रूम ली थी जो कि 800 करीब पड़ी थी। अभी इधर सब बंद है, पीछे की साइड से हमने एंट्रेंस ली थी। बाकी चलते हैं फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, देखते हैं कहाँ कवर करना है अपने को। तो गाइस, ये अपने होटल के पास का व्यू है, आप देख सकते हो बाहर निकलते ही जस्ट। वो भी हमने मॉर्निंग में होटल से चेकआउट कर दिया है, रूम आपको दिखा दी थी। और ये होटल पंचरतन एक बार फिर से दिखा देते हैं, चलने के लिए रेडी है। वातावरण फिर से बारिश वाला हो गया है ना, तो देखते उधर सामने, उधर वो उधर राजूर गाँव है, तो वहाँ जाके देखते हैं अभी कि कुछ स्पॉट मिल जाए यूनिक से करने के लिए कवर, तो उसको कवर अप करते हैं। और सामने जस्ट मेरे कौन सा डैम था यार, वो नलबंडी डैम, जो आपने ऋषिनगर की ब्लॉग में एक और आपने डैम देखा था, वो सामने ही है जस्ट उसका भी। अभी अपन भंडारदरा डैम की तरफ आ चुके हैं और अपनी बाइक खड़ी है इधर। और लोगों का मानना यहाँ पर कुछ ऐसा है कि डैम इस साल नहीं भरा पर डैम, क्योंकि बारिश बहुत कम हुई है तो उस हिसाब से डैम नहीं भरा। लास्ट वीडियो आपको शेयर करूँगा जो पूरा पानी पानी था, तो वीडियो भी आपको दिखाऊँगा उधर से। बाकी लास्ट 2 साल पहले इधर आए थे चाय पीने के लिए, तो भैया के पास फिर से चाय पीने और पकौड़े खाने के लिए आए। फिर इसके बाद डिसाइड करते हैं, भैया कह रहे हैं ऐसे 12 किलोमीटर कुछ कल सुबह है, जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची ऊंची है ना माउंटेन, सबसे ऊंची माउंटेन है महाराष्ट्र की कल सुबह पीक, तो उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे 12 किलोमीटर सिर्फ, तो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कुछ फिर वहाँ पर कैसा है। फिलहाल चाय पीते हैं, और क्योंकि सुबह के 8:30 बज रहे हैं, चाय नाश्ता ज़रूरी है, तो चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद आपको भंडारदरा डैम का छोटा सा व्यू दिखाएंगे। और फिर तो अपने अभी चाय भाई आ चुके हैं, ये तली हुई मिर्ची और ये मस्त पकौड़ी एकदम, चाय साथ में चटनी, बढ़िया है। बहुत टेस्ट कैसा है पकौड़ी का? अच्छा है, अच्छा है। सुबह सुबह गर्म गर्म पकौड़ी मिल जाए, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। भंडारदरा डैम और लास्ट ईयर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो इधर पूरा पानी था रोड की तरफ, इधर से पूरे पानी से जा रहा था, ये पूरा पानी में था, बट फिलहाल सब सूखा पड़ा हुआ है। वो देखो इतना व्यू, बहुत ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके मतलब। इधर देख सकते हो अभी भंडारदरा डैम के अंदर है हम लोग, ये बहुत रिस्की एरिया है, लेकिन पानी इस बार है ही नहीं बिल्कुल। इससे साफ पता लगता है कि बारिश कितनी ज़्यादा कम हुई है और मज़ा आ रहा है। अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो कल सुबह का है ना, तो अपन कल सुबह जाने वाले हैं, जो कि 12 किलोमीटर भंडारदरा से है
और अभी शेंडी गांव भी जाएंगे जहाँ पे जॉन इब्राहिम और ऋषभ पठानी रुके हुए हैं, तो यह होटल यश में, तो वहाँ के भी कुछ शूट करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक बार व्यू देखो उधर से, वो रतनवाड़ी उधर है, रतनवाड़ी की रतनगढ़ ओपन कड़ाई के लिए उधर है, बट इस साल हम नहीं जाने वाले क्योंकि हर साल वहीं जाते हैं, बट इस साल कल सुबह जाते हैं। तो भाई ये साइड डैम की साइड है, जो दो गेट है वो खुलते हैं, पानी नीचे जाता है, तो ये साइड बहुत ज़्यादा डेप्थ है, और वीडियोस में आपने देखा होगा कि पानी उसके ऊपर से जाता है, गेट के ऊपर से, बट इस साल इतना पानी इधर है ही नहीं। निकालो फोटो। हाँ वो देख सकते हो, उधर बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, क्लाउड्स आ रहे हैं, और एकदम मस्त, एकदम बहुत ही बढ़िया एकदम। कल भंडारदारा हो चुका है, और भंडारदारा के डैम का गेट दिखाता हूँ, और अभी अपन निकलने वाले हैं सीधा कल सुबह ही माउंटेन पीक, जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पीक है, तो चलिए चलते हैं। वो भी सीधा डैम के गेट पे जा रहे हैं, विल्सन डैम यानी कि भंडारदारा डैम, जिसको विल्सन डैम भी कहते हैं, और वो पीछे आर्थुर लेक थी, इसको आर्थुर लेक भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह के डैम के गेट थे भंडारदारा के, मैं आपको फुल वीडियो में दिखाता हूँ, फिर आप देखिए कि कितना ज़्यादा पानी का लेवल। ये देखिए ये गेट है भंडारदारा के, पानी है ही नहीं, वरना पानी उसके ऊपर से आता है, ये दोनों गेट है लगभग पूरा प्रॉपर सूखा पड़ा हुआ है। और ये व्यू एक बार फिर से, ये देखिए नीचे गाइस, ये पूरा नीचे पानी सूखा पड़ा हुआ है, पहले पानी कितना ज़्यादा था यहाँ पे, पूरा सूखा पड़ा है। तो चलिए ज़्यादा ना देरी करते हुए शेंडी गांव की तरफ निकलते हैं, और आपको जॉन इब्राहिम और ऋषभ पठानी यहाँ पे रुके हैं विलेन 2 की शूटिंग के लिए, होटल यश उसका व्यू भी आपको दिखाते हैं, और निकलते हैं कल सुबह पिक के लिए। ये शेंडी गाँव है जो भंडारदारा के पास सबसे नियर विलेज है, अगर आप भंडारदारा आते हो तो यहाँ रुक सकते हो, भंडारदारा रुकने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, और खाना वाना भी यहाँ पे आप खा सकते हैं। तो गाइस अभी यश रिजॉर्ट के आगे खड़े हुए हम इधर, और यश रिजॉर्ट जो है यहाँ का काफ़ी फेमस रिजॉर्ट है भंडारदारा डैम का, तो शेंडी गाँव से थोड़ा पहले पड़ता है, अगर आप अम्ब्रेला फॉल, अभी कल परसों इधर शूटिंग चालू थी विलेन 2 की, जो कि विलेन 2 की शूटिंग चालू थी, जिसमें जॉन इब्राहिम और ऋषभ पठानी का मेन रोल है इसमें, तो ये है यहाँ पर भैया एक सेकेंड दे रहा हूँ, तो यहाँ के हैं, यहाँ के बंदे हैं, क्या नाम है भैया आपका? बालू भाई। बालू भाई, तो बालू भाई है वैसे तो अपने, बालू चाचा भी है, बालू ताऊ भी है, ये भी अपने बालू हो गए, तो क्या क्या रहा था यहाँ, कुछ बता पाओगे आपके यहाँ पे? तो क्या बताएंगे अभी, सब गए निकल गए ना वो कल। वैसे रिजॉर्ट कैसा है ये रिजॉर्ट? वो आएंगे ना अभी 25-26 तारीख को आएंगे। अच्छा, तो यहाँ कहाँ कहाँ शूटिंग हुई थी, मतलब एक अम्ब्रेला फॉल में? अम्ब्रेला फॉल गार्डन में, इधर आजू बाजू के। अच्छा, तो बढ़िया है, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है ये, तो आप यहीं पे रहते हो क्या? गाइड का काम करता हूँ मैं। तो ये गाइड का काम करते हैं यहाँ पे, जो भी आपका ये भंडारदारा के आसपास का है। तो फिलहाल यश रिजॉर्ट का आपको बोर्ड दिखाता हूँ, यश रिजॉर्ट का बोर्ड है, और कैसी लगी आपको डैम की वीडियोस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे आपको कल सुबह का ट्रैक, आप सुबह के ट्रैक पर आपको लेके चलेंगे, और फिर दिखाते हैं आपको सीधा कल सुबह ट्रैक। बोर्ड रशियस रोड से आगे है, तो बोर्ड लगा हुआ है घोटी 32, इगतपुरी 41, नासिक 70, मुंबई 178, घाटघर 21, और बाकी के सभी बोर्ड है। तो कल सुबह सीधा है, तो अपने को सीधा जाना है, तो चलो भाव चलते हैं। हमने अभी बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है, बाइक यहाँ पर होटल के पास में, और वापस में बाइक और बैग दोनों लेंगे, तो फिलहाल चलते हैं कल सुबह ट्रैक करते। तो ऐसे कि तुम रेंडमली रास्ता है, इधर पानी के अंदर से रिवर क्रॉसिंग है, और आराम से। तो ये कल सुबह का एंट्रेंस है माता कल सुबह निवास देवस्थान बारी,
और अभी ये अपन इधर ऊपर आ चुके हैं, उस गांव से आए अपन, छोटा था, काफ़ी हाइट पे अभी। तो अभी अपन महाराष्ट्र के माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के माउंट एवरेस्ट कल सुबह ही। और इधर बहुत दूर दूर से लोग ग्रुप में आते हैं, और कुछ नहीं है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये महाराष्ट्र का माना जाता है, कल सुबह टेम्पल उधर है।